गाइस अगर आप लोगों के पास ये प्रोडक्ट है तो इसे बिल्कुल भी उल्टा मत करिएगा वरना आपका भी नुकसान हो सकता है जिस तरह मेरा हो गया है। तो मुझे इस टाइम काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रहा है। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मैं अब वीडियो बना रही हूँ काफ़ी टाइम बाद एंड आई नो कि आप लोगों ने मुझे बिल्कुल नहीं मिस किया होगा क्योंकि मैंने भी नहीं किया। तो आज हम बात करने वाले हैं फाउंडेशन के बारे में। तो बेसिकली आज मैं आप लोगों को रिव्यू दूंगी इस फाउंडेशन का विच इज मोस्ट वायरल फाउंडेशन फ्रॉम शी ग्लैम। तो यहाँ पर सारे इसके इंग्रीडियंट्स और इसे कैसे यूज करना है सब मेथड लिखा हुआ है। ओपन करके दिखाती हूँ। इसकी पैकेजिंग मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है। तो सबसे पहले है हमारे पास इस तरीके के कुशन के अंदर फाउंडेशन और दूसरी चीज जो हमें इसके अंदर मिली है वो है इसका ये कार्ड। इसमें सारे इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखे हुए हैं जिसे मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी और अगर आप भी यूज करते हैं तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। तो इस चीज के अंदर हमें मिलता है हमारा फाउंडेशन जो कि काफी ज्यादा प्यारा लगता है। बाय द वे मैं आपको ओरिजिनल और फेक शी ग्लैम की पहचान बता देती हूँ। तो जो ओरिजिनल शी ग्लैम होता है ना उसकी इस तरीके से टेक्सचर से इसकी ब्रांडिंग हुई हुई होती है कैप पर भी पूरे इसके कंटेनर पर इसके ऊपर भी टेक्सचर से हुई होती है। बाकी जो फेक शी ग्लैम होते हैं ना उसके ऊपर प्रिंट हुआ रहता है। फाउंडेशन का जो शेड है ना मेरे पास वो है सेल्ड। इसकी एक्सपायरी डेट वगैरह मेंशन है विच इज 2026 में से दो और साल यूज कर सकती हूँ। एंड इसे ओपन करने पे हमें मिल जाता है हमारा फाउंडेशन जिसे मैंने पहले भी यूज किया हुआ है तभी मैं आप लोगों को रिव्यू दे रही हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने स्किन के ऊपर प्राइमर अप्लाई करूंगी। मैं अपनी स्किन के ऊपर कोई भी कलर करेक्टिंग नहीं करूंगी क्योंकि मैं आपको इसकी ओरिजिनल कवरेज दिखा सकूँ। पहले प्राइमर अप्लाई करूंगी। अच्छा ये प्राइमर मुझे काफी ज्यादा पसंद है। ये ना स्किन को काफी ज्यादा स्मूथ बना देता है, हाइड्रेटेड रखता है, स्किन को ज्यादा ड्राई नहीं करता। इसका टेक्सचर काफी ज्यादा क्रीमी है यू कैन सी। तो इसका शेड है इस तरीके का। अच्छा तो एक साइड पे ना मैं फाउंडेशन ब्लेंड आउट करूंगी विद द हेल्प ऑफ ब्रश एंड एक साइड पे अप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्पंज। अब मैं इसे ब्लेंड करती हूँ एंड लेट्स सी के कैसी कवरेज प्रोवाइड करेगा। एज यू कैन सी मेरे काफी ज्यादा रेड निशान हो रहे हैं फेस के ऊपर। आपकी फाउंडेशन में बहुत ज्यादा गर्मी में यूज कर रही हूँ, बिल्कुल भी मैं एसी में नहीं हूँ कि आपको इस तरह लगे कि फाउंडेशन इतना स्मूथ एसी की वजह से हो रहा है। मैं इस वक्त बिल्कुल सनलाइट के सामने हूँ। फोरहेड पे भी अप्लाई करूंगी, एक साइड पे ब्लेंड आउट कर लिया फाउंडेशन विद द हेल्प ऑफ कबूकी ब्रश। अब एक साइड पे ब्लेंड करूंगी इस वाले स्पंज की हेल्प से। एंड एज यू नो आजकल के जमाने में कौन ही ब्यूटी ब्लेंडर यूज करता है। इतना अमाउंट लिया है मैंने एंड लेट्स सी ये किस तरीके से ब्लेंड होता है। फिर ब्लेंडिंग में कहूंगी इसकी ना काफी ज्यादा स्मूथ भी टू भी होने से यार, मतलब के जैसे फाउंडेशन होते हैं चिपकू फाउंडेशन ही उस तरीके का बिल्कुल भी नहीं है। प्लस इसकी जो कवरेज है आई जस्ट रियली लाइक इट एंड आई थिंक स्पंज की हेल्प से ना ज्यादा कवरेज मिल रही है मुझे। Okay guys, so the winner is this sponge. मुझे बहुत ज्यादा अच्छी और ज्यादा कवरेज मिली है अकॉर्डिंग टू द ब्रश। अपने नेक के ऊपर भी फाउंडेशन अप्लाई करें क्योंकि आपका फेस इस तरीके का ना लगे। तो यहाँ पर मेरे पास शी ग्लैम का एक और प्रोडक्ट है विच इज दिस वायरल ब्लशन। ये वाला ब्लशन किसने नहीं देखा होगा ऑन सोशल मीडिया। इसका शेड नेम है मेरे पास लव केक। इट लुक्स समथिंग लाइक दिस जो कि सबने ही देखा होगा कहीं ना कहीं। प्लस इसके भी आप लोग देख सकते हैं टेक्सचर्ड से शी ग्लैम लिखा हुआ है यहाँ पर भी। इसका जो शेड है ना लुक्स समथिंग लाइक कोरल पिंक। लेट्स पुट दिस प्रोडक्ट ऑन माय चीक्स। गाइस अगर आप लोगों के पास ये प्रोडक्ट है तो इसे बिल्कुल भी उल्टा मत करिएगा वरना आपका भी नुकसान हो सकता है जिस तरह मेरा हो गया है। तो मुझे इस टाइम काफी ज्यादा हर्ट हो रहा है। इसे मैंने अप्लाई कर लिया अपने फेस के ऊपर क्योंकि माइक रुक चुका था। तो अब दोबारा से इसे रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं। इसका शेड इज रियली वेरी अमेजिंग। इसने मेरा कुर्ता खराब कर दिया। जितनी इसकी प्राइस थी ना इतने में ये दो आ जाने थे। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। मैं एक ब्रश की हेल्प से इस सबको ब्लेंड आउट करूंगी। ब्लेंड ये मक्खन की तरह होता है एज यू कैन सी। इस जरा भी इसके अंदर पेस्ट नहीं छोड़ा। जो फेक वाले होते हैं ना शी ग्लैम के थोड़े बहुत अपने निशान भी छाप देते हैं आपके फेस के ऊपर। इस तरीके से आपको सन किस लुक प्रोवाइड कर देता है। इस फेस पाउडर से सेट करूंगी मैं। ब्लशन भी इसी सेम प्रोडक्ट की हेल्प से मैं ब्लेंड आउट कर लूंगी। वन मोर थिंग के मैंने अपने फेस के ऊपर कंसीलर नहीं अप्लाई किया क्योंकि मैं आपको इसकी रियल कवरेज दिखा सकूं। तो पाउडर यहाँ पे लग चुका है। मैं अपना फुल लुक कंप्लीट करके आप लोगों को इसका रिव्यू देती हूँ। लिपस्टिक लगाने के बाद लुक एकदम से मेरा इंक्रीज हो चुका है। अब मैं आपको थोड़े फाउंडेशन की डिटेल्स दे देती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसकी प्राइस बता देती हूँ। इसकी प्राइस है अराउंड 5 to 6 thousand के आपको अलग अलग पेजेस पर मिल जाएगा। और फेक वाले इसके बहुत ज्यादा ट्यूब्स हैं इसके भी इसके ब्लशन के भी। एंड अगेन मैं आपको इसका शेड बता देती हूँ विच इज SANDY रेत जिसे बोलते हैं ना वो वाला सैंड कलर है इसका। डज इट ऑक्सीडाइज? यस। इतनी ज्यादा मात्रा में ये ऑक्सीडाइज नहीं होता, थोड़ा सा लाइक हाफ से वन टोन तक ना ये ऑक्सीडाइज होता है। ये येलो अंडर टोन में फाउंडेशन है
पिंक अंडरटोन में फाउंडेशन नहीं है ये। अगर आपके पिंक अंडरटोन है ना तो आपको दूसरे शेड्स की तरफ जाना होगा, प्लस इसमें बहुत ज्यादा शेड्स आते हैं। और ये जो मैंने फाउंडेशन परचेस किया है ना, मैंने जहाँ से बाय किया इसका लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मैंने बाय किया है शीन से। अगर मैं बात करूँ इस फाउंडेशन की ब्लेंडिंग की, कवरेज की, ऑल्सो की कैसा नजर आता है आफ्टर मेकअप, तो मेरी तरफ से ना ये फाउंडेशन रिकमेंडेड है, मुझे काफी ज्यादा पसंद है फाउंडेशन। इनका जो ब्लशन है ना वो मुझे बस ओके लगा है, क्योंकि इस ब्लशन की प्राइस है अराउंड 2500। इतनी रेंज में ना आपको कोई भी अच्छा पाकिस्तानी ब्रांड का भी ब्लशन मिल सकता है इससे कम प्राइस का। एंड इसकी ना कवरेज ज्यादा नहीं है, कवरेज इस ब्लशन की बस मीडियम सी कवरेज है इसकी। आप लोग इसीलिए इससे अपना पार्टी मेकअप कर सकते हैं, प्लस आप इसे डेली वेयर में भी यूज कर सकते हैं। इनके ना मुझे स्वेटिंग भी हो रही साथ साथ, पर ये फाउंडेशन अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। इस टाइम मेरे कमरे में पंखे के अलावा कुछ भी नहीं चल रहा है, एंड मुझे थोड़ी बहुत स्वेटिंग हो रही है, एज यू नो समर्स है। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन जो कि मेरी रील्स में बहुत ज्यादा आया था, आप लोगों ने बहुत ज्यादा पूछा था, विच इज के कितनी देर तक लास्ट करेगा आपके फेस के ऊपर। तो मेरा जहां तक एक्सपीरियंस है कि ये आपके ना वातावरण पे क्या बोलते हैं उसको, टेम्परेचर पर ही आपके डिपेंड करता है। लाइक अगर बहुत बहुत ज्यादा कड़क गर्मी है ना तो भी आपके फेस से नहीं उतरेगा, बट ये कि स्वेटिंग हो सकती है, थोड़ा बहुत खिसक सकता है आपके फेस के ऊपर से। और मुझे इस तरीके का लगता है कि जब तक आप अपना फेस नहीं धोगे ना, फाउंडेशन आपके चेहरे के ऊपर से कहीं नहीं जाने वाला। मस्ट लेट मी नो कि मैं और आगे यूट्यूब पर कौन कौन सी वीडियोस बनाऊं, प्लस मेरी वीडियो को लाइक कर देना यार, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। मैं इतनी ज्यादा मेहनत करती हूँ फिर भी आप लोग बस सब्सक्राइब ही ठोकी जाते हो, मेरा वॉच टाइम तो कम्प्लीट ही नहीं होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।